ओ के जर बैरा तौनी हे दिन सो जैन रात। इनका जो गरीब है जो बैठा हुआ है वृद्धा पेंशन में जो केंद्र सरकार किया है 5,000 रुपया, तो बिहार सरकार की भी करना पड़ेगा। हम आज धरना यहाँ गिराए हैं, अगर हमारे सीओ से आप फैसला नहीं ले रहा है तो जब तक हम लोग को गरीब को पर्चा नहीं देगा तो धरना हम यहाँ डेरा डारो हम लोग बैठे रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। धरना प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं किस संबंध में कर रहे हैं? देखिए, हम हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश महासचिव और हम हैं मतलब जीतन राम मांझी को पार्टी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश महासचिव। जनता सब के हम धरना आज इसलिए गिराए हैं, मेरे भी जनता की समस्या है। इन लोग को जो है कितना दिन से हम फाइल लगाए हैं सीओ के पास में, कितना फाइल तैयार करके भी दिए हैं, फिर भी जो है सीओ साहब हमारे लोग हम जब आते हैं तो बात को टार देता है, जाइए कल करवा देंगे परसों करवा देंगे, लेकिन सीओ साहब कोई एक्शन लिए ही नहीं रहा है। ये हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है सीओ साहब क्यों नहीं एक्शन ले रहा है। हम यही कहना चाहते हैं अगर सीओ साहब का अगर बिरोल में रहना है तो जितना जनता बैठा हुआ है, जितना गरीब बैठा हुआ है, सबको पर्चा देना चाहिए और जिसको पर्चा दिया है उसको दाखिल मतलब कब्जा करवा दीजिए जाके। सीओ साहब के यही निवेदन है, अगर सीओ साहब का अच्छा से रहना है तो हमारे हर गरीब को पर्चा चाहिए। हम सीओ साहब से यही मांग करते हैं। और पत्रकार जो है, जो पत्रकार सच्चाई हम लोग को पूछने के लिए आता है, उछालने के लिए आता है, तो पत्रकार पर भी एफआईआर कर देता है, ये हमारे समझ में नहीं आता है सरकार क्यों ऐसा कर रहा है, पत्रकार सब पर क्यों केस हो रहा है। पत्रकार तो है तो ऐबे करेगा, गलत काम जहाँ देखेगा उछालने के लिए ऐबे करेगा, लेकिन पत्रकार ऐसे क्यों कर रहा है? हमारे यही निवेदन है। और जितना जो गरीब है जो बैठा हुआ है वृद्धा पेंशन में जो केंद्र सरकार किया है 5,000 रुपया, तो बिहार सरकार की भी करना पड़ेगा। इसके लिए आज हम लोग ये हम आज धरना यहाँ गिराए हैं, अगर हमारे सीओ से आप फैसला नहीं ले रहा है तो जब तक हम लोग को गरीब को पर्चा नहीं देगा तो धरना हम यहाँ डेरा डारो हम लोग बैठे रहेंगे। कथी में झलबई जरैया हे कथी से बोकार, कथी में झलबई जरैया हे कथी से बोकार, कथी से झलबई रतौनी हे दिन सो जैन रात, कौती से जर भैरा तौनी दिन सो जैन रात, झाड़ू से झरबै जरैया हे बरनी से बोखार, झाड़ू से झरबै जरैया हे बरनी से बोखार, चौपल से झरबै दिन सो जैन रात, चप्पल से झरबै रतौनी दिन सो जैन रात, सीओ के झरबै जरैया सीओ के बोखार, सीओ के झरबै जरैया वीडियो के बोखार, डीओ के झरबै रतौनी हे दिन सो जैन रात, डीओ के झरबै रतौनी हे दिन सो जैन रात, भरनी से झरबै जरैया हे चारो से बोखार, चप्पल से झरबै रतौनी दिन सो जैन रात, चप्पल से झरबै रतौनी दिन सो जैन रात। इंकलाब जिंदाबाद। हाँ बोले बोले। धरना के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों को सबसे पहले जमीन का पर्चा दो, इसके बाद सरकारी जमीन में जो बसे हुए हैं उसको बुलडोजर करो, जब तक पर्चा नहीं तब तक बुलडोजर नहीं। दूसरी बात है, जितने जमीन लोग अभियान बसेरा के तहत रोड किनारे सड़क किनारे बसा हुआ है उस सब जमीन के लिए सरकार ने विधानसभा में पारित कर दिया है, वर्तमान में पारित किया है, तो हर एक पशु के पेपर में आया था, हर एक गरीब को 5% पड़ता है जमीन को, लेकिन आज तक एक भी आदमी को जमीन मुहैया नहीं हो रहा है।
तीसरी बात है जो पर्चा दे भी दिया, पर्चा तो दे दिया लेकिन आज तक उस पर्चाधारी को दखल कब्जा नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, अगर कोई आदमी साधारण किसान है, साधारण किसान वो अपने जमीन की मोटेशन कराने के लिए आता है, उसके लिए कहता है ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने का मतलब हमको 14 रोज में रसीद चाहिए अगर हमारा जमानती सही है तो, लेकिन सो नहीं, अगर हम उसको 5,000 रुपया नहीं देंगे तो हमारा मोटेशन कैंसिल होकर चला जाता है। इसके बाद परिमार्जन है, परिमार्जन में जो आदमी सबल है रुपया देता है दूसरे का भाई जमाबंदी अपने में परिवर्तन करा लेता है, लेकिन गरीब आदमी रोड पर टहलता है भटकता है उसके पास 5,000 रुपया नहीं है उसका एक भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही स्थिति बिरौल की है, बिरौल नहीं पूरे हमारे अनुमंडल क्षेत्र की है। इसीलिए हम लोग अपना संकल्पित होकर आज से अनिश्चितकालीन डेरा डालो का मैंने आयोजन किया हूँ। जब तक सीओ नहीं पकड़ाएगा, सीओ नहीं आएगा, सीओ हमारे काम पर कार्रवाई स्टार्ट अभिलंब नहीं करेगा तब तक हमारा डेरा डालो स्थगित नहीं होगा। मैं इतना ही करने के बाद अपनी बात समाप्त करूँ।